आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एक इंटरनल कम्बशन वाली गाड़ी के मुकाबले काफी ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं। इतने कि एक इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ी को कई हजार किलोमीटर तक चलाना पड़ता है एक ईवी के सिर्फ प्रोडक्शन में हुए एमिशंस को मैच करने के लिए। अब ये बात थोड़ी बहुत ज्यादातर लोगों को तो पता है, लेकिन डिटेल में किसी को भी नहीं पता। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि ये जो ईवी हैं इनके प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन एट फर्स्ट प्लेस हो ही क्यों रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों से कितने कंपेरेबल है। तो यही सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने और मेरी टीम ने कई दिनों तक इंटरनेट की खाक छानी है, और जो हमने ईवीज के प्रोडक्शन के बारे में पता लगाया है वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। ये वीडियो ईवीज पर हमारे द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और हमने एक एक डेटा पॉइंट को बहुत ही ज्यादा हाईली रिलायबल सोर्स से उठाकर इस वीडियो के अंदर एक एक मिनट के अंदर एम्बेड करा है। इसीलिए कहीं से भी इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरा का पूरा देखना। इस वीडियो को मैंने मेजरली दो पार्ट्स के अंदर बांटा है, जिसमें पहले पार्ट के अंदर तो ये बताया गया है कि आखिर ईवीज की प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन एट फर्स्ट प्लेस हो क्यों रहे हैं, और दूसरे पार्ट में ये बताया गया है कि जो ईवी के प्रोडक्शन में एमिशंस हैं ये कितने कंपेरेबल हैं एक आइस कार के मुकाबले। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन में इतने ज्यादा कार्बन एमिशंस क्यों होते हैं। वेल, ईवीज की प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन का एक बड़ा सोर्स होता है माइनिंग। एक्चुअली माइनिंग ही है जिसके थ्रू हम मिनरल रिच ओर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इनमें से जरूरत के मेटल्स को निकाल सकते हैं। अब किसी भी ओर की माइनिंग करने में ना बहुत ही सारी मशीन्स लगती हैं, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस करती है। और बात सिर्फ ईवीज की ही नहीं है, अगर आप एक इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ी की भी बात करोगे तो उसके लिए भी मेटल माइन से ही आता है, हेंस इनके प्रोडक्शन में भी कार्बन एमिशंस होते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। लेकिन ये कार्बन एमिशंस और एनवायरनमेंट को नुकसान ईवी से केस में बहुत ज्यादा होता है, और उसके पीछे दो मेजर कॉम्पोनेंट हैं जो ईवी में डलते हैं, जिसमें पहली है इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होने वाली बैटरीज और दूसरी है इनके अंदर यूज होने वाली मोटर्स। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी से ही शुरू करते हैं। मॉडर्न ईवीज में ज्यादातर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होता है, और इन बैटरीज को बनाने के लिए कई तरीके के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो कि धरती से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, नेचुरल ग्रेफाइट, मैग्नीज, निकल और लिथियम। ये जितने भी एलिमेंट्स ईवी सी बैटरीज में लगते हैं ना, ये सभी के सभी धरती से माइन करके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और इनके लिए अलग अलग माइंस पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। इन सभी माइंस की वजह से नेचर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और साथ ही साथ ये जो माइनिंग प्रोसेस है इनके अंदर अंधाधुन बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल होता है जिनकी वजह से कार्बन एमिशंस होते हैं। लेकिन अगर हम खासकर लिथियम की बात करें तो इसकी माइनिंग में बाकी सभी एलिमेंट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है नेचर को। लिथियम मेजरली चिले और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इनकी माइनिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। लिथियम की माइनिंग के लिए लिक्विड को अर्थ से पंप करके बाहर निकाला जाता है, और बड़े बड़े पूल्स में इस लिक्विड को रख दिया जाता है, और वक्त के साथ जब ये सारा का सारा लिक्विड एवेपोरेट हो जाता है तो जो बचता है वो लिथियम होता है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है जिसमें बाकी माइंस की तरह ही कंपनी स्पॉन्डमीन नाम के एक लिथियम रिच मिनरल को एक्सप्लोर करती हैं ओपन पिट्स के अंदर, और फिर जो रॉक की 80% सप्लाई होती है उसको चाइना भेजा जाता है, जहां पर ये रिफाइन होकर प्रोसेस होकर लिथियम बन जाता है। अब ये जो मैंने आपको लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के दो प्रोसेसेस बताए हैं ना, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं। एज पर सम सोर्सेस एक टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए 19 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आप समझ पा रहे होगी कि ये कितना ज्यादा है। अब अगर हम फिलहाल की बात करें तो हमारे पास लगभग 6,78,000 टन्स ऑफ लिथियम सप्लाई मौजूद है, पर अगर हमें 2035 तक कंप्लीट इलेक्ट्रिक वाले गोल को पूरा करना है तो हमें 4 मिलियन टन लिथियम की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कि ऐसी हंड्रेड्स ऑफ माइंस खोदनी पड़ेंगी। और सिर्फ लिथियम ही नहीं, हमें बाकी एलिमेंट्स की भी हद से ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि हमें 3.16 मिलियन टन्स ऑफ निकल की जरूरत है, और 7.2 मिलियन टन नेचुरल ग्रेफाइट भी चाहिए। कुछ स्टडीज के हिसाब से हमें 100% ईवी गोल को पूरा करने के लिए 359 माइंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि 74 माइंस हमें लिथियम की चाहिए, 62 माइंस हमें कोबाल्ट, 72 माइंस निकल की, 97 माइंस नेचुरल ग्रेफाइट की, और 54 प्लांट सिंथेटिक ग्रेफाइट की प्रोडक्शन के लिए भी लगाने पड़ेंगे। और डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कितना फ्रेश चाहिए होगा वो अभी ढंग से क्वांटिफाई नहीं हो पाया है। अब ये तो रही इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी की वजह से होने वाली माइनिंग की बात, जिसमें डेफिनेटली कार्बन एमिशंस होते हैं, पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कार्स की मोटर्स की वजह से होने वाली माइनिंग की, तो यहाँ पर मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाता है और काफी ज्यादा टॉक्सिक भी। दरअसल ये जो इलेक्ट्रिक कार्स की मोटर्स होती है ना, इनके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, जिनको बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब पीरियोडिक टेबल में तो टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर्स की मैग्नेट्स को बनाने के लिए मेनली दो REEs की जरूरत पड़ती है, जिनका नाम है नियोडीमियम एंड डायस्प्रोसियम। अब ये जो वर्ड है रेयर अर्थ एलिमेंट, इससे सुनकर ये लग सकता है कि इन एलिमेंट्स की अर्थ के अंदर भारी कमी है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स अर्थ के अंदर ठीक ठाक मात्रा में अवेलेबल है,
पर प्रॉब्लम यह है कि ये अर्थ के क्रस्ट में बहुत ही कम संख्या में, यानी कि बहुत कम कंसेंट्रेशन में पूरी अर्थ के ऊपर फैले हुए हैं, जिसकी वजह से इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब चलो, मुश्किल होना तो एक बात है, पर दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो REE माइनिंग होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हजार्डस प्रोसेस माना जाता है। हार्वर्ड इंटरनेशनल रिव्यू के मुताबिक रेयर अर्थ माइनिंग एक नॉट सो ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी माइनिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर, ये जो REEs होते हैं ना, ये अर्थ पर स्कैटर्ड हैं हर जगह पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम कंसेंट्रेशन में, जिसकी वजह से माइनिंग जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, और इसकी वजह से जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। पर एक बार माइन होने के बाद REEs को ओर्स के अंदर से जो अलग करने का प्रोसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स को एक अलग लीचिंग पॉन्ड में डाला जाता है, जो कि केमिकल से भरा हुआ होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक्सट्रैक्टेड मिनरल्स को REE से अलग किया जा सके। अब ये जो केमिकल इन पॉन्ड्स के अंदर भरा होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और रेडियो एक्टिव होता है, और ये ज़मीन में से लीक होकर वाटर वेज को ख़राब कर सकता है, और ग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर सकता है, और ये हवा को तो ख़राब करता ही करता है। एंड एक्चुअली पास्ट में ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं जहां पर इस प्रोसेस की वजह से वाटर वेज पॉल्यूट हो गए थे। जैसे कि 1997 में एक REE माइन से निकले हुए REE वेस्ट वाटर को 23 किलोमीटर लंबे पाइप के थ्रू अमेरिका के इवानपा ट्राई लेक में ले जाकर डंप किया जाता था इवेपोरेशन करने के लिए। लेकिन ये जो पाइप था ना, ये माउंटेन्स के बीच में से गुजरता था, और देखने में ये आया कि समय के साथ इस पाइप के अंदर जगह जगह पर लीकेज हो गई, जिसकी वजह से लगभग 2000 मैट्रिक टन वेस्ट वाटर वैली में फैल गया, जिसमें कि रेडियो एक्टिव थोरियम था। जिसके बाद से अमेरिका ने रेयर अर्थ एलिमेंट की सिर्फ माइनिंग चालू रखी, और इनकी जो रिफाइनिंग है या फिर जो प्रोसेसिंग है, उसको चाइना पर छोड़ दिया। यानी कि अमेरिका अपनी माइंस से REE से भरे हुए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने लगा, और इनको प्रोसेसिंग के लिए चाइना भेज देता था। एंड एक्चुअली दुनिया भर के सारे ही देश ऐसा करते हैं, क्योंकि चाइना को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी रिफाइनरीज से उनके खुद के एनवायरनमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर उन देशों में जहां पर उनकी ऐसी माइंस या फिर प्लांट्स लगे हुए हैं। जैसे कि चाइना के एक मंगोलिया में सिचुएटेड सबसे बड़े प्लांट में ऐसा ही कुछ हुआ था। मंगोलिया के बायानोवो में एक REE माइन है जो कि चाइना ऑपरेट करता है, और ये जो माइन है ना, ये 4800 हेक्टेयर में फैली हुई है, जहां पर बड़े बड़े पिट्स के अंदर मिनरल्स में से इन REEs को अलग किया जाता है। अब ये जो माइन है ना, इसके पास से एक नदी गुजरती है, जो कि एक बताओ नाम के शहर के पास से होती हुई जाती है, और उस शहर के अंदर जो लोग हैं वो इसी नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं फार्म्स वगैरह में डालने के लिए। तो क्या हुआ, ये जो REE माइन थी ना, इसका रेडियो एक्टिव आर्सेनिक और फ्लोरीन का वेस्ट वाटर इस नदी में मिलने लग गया, और ये जो नदी थी, इसका पानी बताओ वाले यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से बताओ के पूरे फार्म लैंड्स पे रेडियो एक्टिव वेस्ट फैल गया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को कई कई तरीके की बीमारियां होने लगी, कैंसर टाइप की अलग अलग बीमारियां, और कई लोगों की जो हड्डियां थी वो ब्रिटल हो गई, यानी कि टूटने लगी। तो अभी जो मैंने आपको ये केस बताया ना, ये 2010 की बात है, यानी कि बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, जिससे कि ये समझ में आता है कि ये जो REE की जो रिफाइनिंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रोसेस है। करेंटली चाइना दुनिया भर की REEs का 60% प्रोड्यूस करता है, और जो REE की जो प्रोसेसिंग है उसका 90% कंट्रोल चाइना के पास ही है, क्योंकि कोई भी देश REE की जो प्रोसेसिंग है उसमें अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता है, तो उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी चाइना को पकड़ा दी। अब चाइना REE की प्रोडक्शन और रिफाइनिंग में ऑलरेडी एक वर्ल्ड लीडर बन चुका है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि इस देश की भूख शांत होने का नाम ही नहीं लेती है, और चाइना हर एक तरीका अपना रहा है जिसके थ्रू वो REE पर और भी ज्यादा कंट्रोल पा सके। चाइना अफ्रीका और बाकी कई देशों के अंदर इलीगल माइनिंग करवा रहा है, और ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स की रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से चाइना ने अफ्रीका में नाइजीरियन मिलिटेंट ग्रुप को फंडिंग करी है, ताकि वो नाइजीरिया के वास्ट मिनरल सोर्सेज पर एक्सेस पा सके। एंड एक्चुअली इस EV माइनिंग के पूरे इकोसिस्टम से ना कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस भी जुड़े हुए हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा 152 टाइम्स इन माइनिंग कंपनीज को अप्रोच किया जा चुका है ह्यूमन राइट वायलेशन के संदर्भ में, और जिनको अप्रोच किया गया था वो सारी की सारी ही रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज थी। यानी कि एक तरफ तो ये ग्रीन वर्ल्ड बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही कारीगरों पे अत्याचार कर रहे हैं। इस माइनिंग से निकलने वाले टॉक्सिन ह्यूमन बॉडीज पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर और इरिवर्सिबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा के स्टूडेंट्स ने जब टॉक्सिन्स के इम्पैक्ट को स्टडी किया, तो उन्हें यह पता लगा कि जो इनके इम्पैक्ट है वो एवरलास्टिंग हो सकते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खा सकते हैं। कई तरीके के कैंसर इनसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि बोन कैंसर, स्किन कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी इश्यूज और कई तरीके की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इंसान के शरीर में इन माइनिंग से हो सकती है, जिनको कई ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा एक्नॉलेज किया जा चुका है।
BHRRC यानी कि बिजनेस एंड ह्यूमन राइट रिसोर्स सेंटर का कहना है कि 300 से भी ज्यादा सीरियस एलिगेशन लग चुके हैं 115 माइनिंग कंपनीज पर। इन एलिगेशन में इंक्लूड है लैंड ग्रैबिंग, यानी कि माइन होने वाली जगह पर रहने वाले नेटिव पीपल को धक्के मार के उन्हीं की जमीन से हटा देना और वहां पर माइनिंग चालू कर देना, वाटर पॉल्यूशन, हेल्थ हैजार्ड, करप्शन और सिस्टमेटिक फेलियर के आरोप भी लग चुके हैं इन पर। तो ये तो थी पूरी माइनिंग से जुड़ी हुई कहानी। अब हम जान चुके हैं कि EVs के लिए होने वाली माइनिंग से बहुत ही ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं और इन्हें हैजार्डस क्यों माना जाता है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर, यानी कि ये सब जो माइनिंग्स हो रही है इनसे एक्चुअली में EVs के कार्बन फुटप्रिंट पर कितना ज्यादा असर पड़ता है और ये फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ी के सामने कितना ज्यादा ग्रीन साबित होती हैं। चलो ये जानने के लिए हम इलेक्ट्रिक इंटरनल कम्बशन इंजन और हाइब्रिड गाड़ियों के जो टोटल लाइफ साइकिल में होने वाले एमिशंस हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, जिसका सोर्स हमें पोलस्टार और रिवियन पाथवे रिपोर्ट से मिलता है। इस पार्ट में एमिशंस के लिए हम जो मेट्रिक यूज करेंगे वो है TCO2E, यानी कि टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। पर मैं TCO2E बोलने के बजाय सीधा सीधा टन बोलूंगा, क्योंकि मेरी ना जबान लड़खड़ा रही है ये वर्ड बोलने में बार बार। तो चलिए समझते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रिक कार होती है ना, ऑन एन एवरेज उसके प्रोडक्शन में 14 टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस होते हैं, जिसमें कि 9 टन के जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो गाड़ी की बॉडी बनाने में होते हैं और 5 टन गाड़ी की बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, यानी कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ मिला के। वहीं अगर हम हाइब्रिड्स की बात करें तो हाइब्रिड कार्स की प्रोडक्शन में टोटल 10 टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस होते हैं, जिसमें कि 9 टन तो अगेन इन गाड़ियों की बॉडी बनाने में एमिट होते हैं और 1 टन इन गाड़ियों की बैटरी बनाने में, क्योंकि हाइब्रिड की बैटरी छोटी होती है तो एमिशंस भी कम होते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों की बात करें तो इनकी प्रोडक्शन में टोटल 10 टन ऑफ कार्बन एमिशंस होते हैं। अब इस चार्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो EVs है ना, इनकी सिर्फ प्रोडक्शन में ही 40% एक्स्ट्रा कार्बन एमिशंस हो जाते हैं बाकी दोनों टाइप की गाड़ियों के मुकाबले। अब इन गाड़ियों के बनने में जो कार्बन एमिशंस हैं वो तो हमें पता लग गए हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन गाड़ियों के लिए जो फ्यूल बनता है, मतलब इनके जो टोटल लाइफ साइकिल के लिए जो फ्यूल बनता है उसमें कितने कार्बन एमिशंस होते हैं। तो अगर हम पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बात करें तो उनके लिए जो फ्यूल बनता है उसके लिए 13 टन के कार्बन एमिशंस होते हैं। हाइब्रिड्स के मामले में ये 12 टन ऑफ कार्बन एमिशंस हैं और इलेक्ट्रिक कार के मामले में, यानी कि एक इलेक्ट्रिक कार की टोटल लाइफ साइकिल के लिए जो बिजली बनती है उसमें 26 टन कार्बन एमिशंस होते हैं, यानी कि बाकी दोनों टाइप की गाड़ियों से डबल। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज भी कोयले से बनाई जा रही है। इवन अगर हम अमेरिका ऐसे डेवलप देश की बात भी करें तो EIA यानी कि एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में आज भी 60% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है, यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। अच्छा, अब ये तो रहे गाड़ियों की प्रोडक्शन और उनके फ्यूल के प्रोडक्शन में होने वाले कार्बन एमिशंस, जिनमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो EV है ना ये बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम गाड़ियों के टेल पाइप एमिशंस की बात करें, यानी कि पीछे से निकलने वाले धुएं की बात करें, तो यहाँ पर EVs क्लियरली जीत जाती है, क्योंकि EVs के अंदर जो टेल पाइप एमिशन है वो जीरो है। वहीं अगर हम एक आइस कार की बात करें तो वो अपने टोटल लाइफ स्पैन में 32 टन और एक हाइब्रिड 24 टन कार्बन एमिशंस कर देती है। इसके बाद मेंटेनेंस एंड एंड ऑफ लाइफ में कितने एमिशंस होते हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तीनों टाइप की गाड़ियों के लिए। अब अगर हम इन तीनों टाइप की कार्स के प्रोडक्शन से लेकर टोटल लाइफ साइकिल के एमिशंस को ऐड अप करें तो हमें पता लगता है कि जो इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियां होती है ना वो सबसे ज्यादा एमिशंस करती हैं, यानी कि 55 टन ऑफ कार्बन एमिशंस करती हैं ये। हाइब्रिड्स करती हैं 47 टन और EVs करती हैं 39 टन, यानी कि जो इंटरनल कम्बशन वाली गाड़ियां हैं ये काफी ज्यादा कार्बन एमिशंस करती हैं अपने टोटल लाइफ स्पैन में, और जो इनका मेजर एमिशन का सोर्स होता है ना वो इनके टेल पाइप से आता है। वहीं अगर हम EVs और हाइब्रिड्स के बीच के कार्बन एमिशंस का फर्क देखें तो वो बस 8 टन का है। तो ये देखकर सवाल उठता है कि क्या EVs ग्रीन है भी? क्या हमें कार्बन न्यूट्रल होने के लिए अभी इलेक्ट्रिक कार्स खरीदनी चाहिए? वेल, टोटल लाइफ स्पैन में 8 टन ऑफ एमिशंस का फर्क बहुत ज्यादा नहीं लगता है, कंसीडरिंग कि आपको एक EV के लिए बहुत ज्यादा फालतू पैसे देने पड़ते हैं, ऊपर से रेंज एंग्जाइटी, लैक ऑफ इंफ्रा और लंबे रिचार्ज टाइम जैसी चीजों को झेलना पड़ता है। पर इस कहानी का एक पहलू और भी है। देखो, ये जो प्रोडक्शन में कार्बन एमिशंस होते हैं ना और जो टेल पाइप एमिशंस होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि ये जो आइस कार्स के टेल पाइप से निकलने वाले एमिशंस होते हैं ना, इनसे आपकी शहर की हवा खराब होती है, क्योंकि गाड़ियां शहरों में ज्यादातर चलती हैं तो वहां की हवा खराब हो जाती है। वहीं EVs के केस में उन देशों, राज्यों और गांवों की हवा खराब होती है जहां पर इन गाड़ियों की प्रोडक्शन होती है, इनकी बैटरीज की प्रोडक्शन होती है और जहां पर इन गाड़ियों के लिए कोयले से बिजली बनाई जाती है। यानी कि आइस कार्स आपके शहरों को पोल्यूट कर रही हैं और EVs रिमोट एरियाज को।
मेरा मानना यह है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से सच में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आना है तो सबसे पहले जो बिजली इनके अंदर इस्तेमाल हो रही है वो ग्रीन सोर्सेज से लेनी पड़ेगी, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से लेनी पड़ेगी, क्योंकि 24 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन तो सिर्फ एक गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने में ही एमिट हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है कि आरई रिफाइनिंग का जो डर्टी वर्क है ना उसकी जिम्मेदारी बाकी देशों को भी लेनी पड़ेगी और चाइना से इसे लेना पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो भैया अपने धुन में चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ह्यूमन राइट्स के कितने वायलेशन कर रहा है कितने नहीं कर रहा। वहीं अगर बाकी देश इस काम को बहुत ही ज्यादा सतर्कता से करते हैं, बहुत ज्यादा सेफ एनवायरमेंट में करते हैं, तो ये जो डर्टी प्रोसेस है ये थोड़ा सुधर सकता है। और तीसरी बात ये है कि जो लिथियम आयन बैटरीज होती है ना, ये थियोरेटिकली 95% तक रिकवर हो सकती हैं, मगर इन्हें रिकवर और रिसाइकल करने का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा महंगा साबित होता है। इसीलिए अभी सिर्फ 5% तक बैटरीज ही हैं जिन्हें रिसाइकिल किया जा रहा है, तो इस पर भी काम करने की जरूरत है। और जब तक अभी जो मैंने तीन बातें बताई हैं उन पर काम नहीं होता है, तब तक मेरा मानना यह है कि ईवी से कार्बन न्यूट्रलिटी पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, पर अगर आपको अपने शहरों में पॉल्यूशन कम करना है तो डेफिनेटली ईवीज आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि इनमें टेल पाइप एमिशंस नहीं होते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ। इस वीडियो के लिए तो हमने बहुत दिनों तक रिसर्च करी है, तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से आपकी टाइम में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स दोस्तों से शेयर करिए ताकि ये बात ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में इस पूरे सिनेरियो के बारे में अपने विचार भी जरूर छोड़िए। थैंक यू।